रियलमी एक्स टू प्रो को एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 9 में कैसे डाउनग्रेड करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि मेरा रियलमी एक्स टू प्रो इस समय एंड्रॉयड 10 रियलमी UI 1.0 पर चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो डाउनग्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले कलर OS का रोलबैक पैकेज डाउनलोड करना होगा। मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और अपग्रेड नाउ पर क्लिक करना है और आपकी डाउनग्रेड प्रोसेस चालू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें। तो डाउनग्रेड होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग सकता है। तो आपको फ़ोन के साथ कुछ भी नहीं करना है और फ़ोन को रख देना है साइड में और डाउनग्रेड होने देते हैं हम फोन को। तब तक वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी डाउनग्रेड प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा फ़ोन रियलमी एक्स टू प्रो कलर OS 6 में रिबूट होगा। और ये एक ऑफिशियल मेथड है बिल्कुल रियलमी की तरफ से, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने फ़ोन के लिए करेक्ट फर्मवेयर डाउनलोड करना है, रोल बैक पैकेज को ही डाउनलोड करना है आपको। तो आप देख सकते हैं रियलमी का लोगो आ गया है और अब कुछ ही देर में हमारा फ़ोन डाउनग्रेड हो जाएगा एंड्रॉयड 9 और कलर OS 6 पर। तो आप देख सकते हैं हमारी सेटअप स्क्रीन आ चुकी है कलर OS 6 की। तो हम मोबाइल को सेटअप कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे फिर। तो हमने मोबाइल को सेटअप कर लिया है कलर OS 6। तो आप देख सकते हैं जैसा कि कलर OS 6 पर हम आ चुके हैं, आपको चेक भी करा देते हैं सेटिंग में चल के अबाउट फोन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रियलमी एक्स टू प्रो एंड्रॉयड 9 और कलर OS 6 पर रन कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।